मंगलवार को पीटी उषा ने एक और इतिहास रच दिया। वो भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की अध्यक्ष चुनी गई। बता दें आईओए के इलेक्शन में 58 साल की उषा के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन नहीं किया था, लिहाजा चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार होने के चलते 10 दिसंबर को नतीजों से पहले ही उन्हें आईओए की प्रेसिडेंट बना दिया गया। गौरतलब है कि आईओए के 95 साल के इतिहास में पीटी उषा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली ओलंपियन है। इतना ही नहीं, पीटी उषा महाराजा यादवेंद्र सिंह के बाद आईओए के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली खिलाड़ी भी है। उषा से पहले यादवेंद्र ने 1934 में एक टेस्ट मैच खेला था और फिर 1938 में आईओए प्रमुख भी बने थे। बता दें उषा आईओए की 16वीं अध्यक्ष है। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट आदल सुमरीवाला की जगह लेंगी। दिसंबर 2017 से मई 2022 तक नरेंद्र बत्रा प्रेसिडेंट रहे, जिसके बाद 25 मई को अनिल खन्ना एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए। 21 अगस्त को उनकी जगह सुमरीवाला ने ली, लेकिन अब उषा फुल टाइम आईओए प्रेसिडेंट बन गई हैं। वही उषा के आईओए अध्यक्ष बनने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीटी उषा को भी बधाई दी। ट्वीट करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई। मैं अपने देश के सभी स्पोर्टिंग हीरोज को भी आईओए के पदाधिकारी बनने पर बधाई देता हूँ। देश को उन पर गर्व है। उषा को पियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वो देश की सबसे सफल एथलीटों में से एक है। उषा ने साल 1982 से 1994 तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण सहित 11 पदक जीते। उषा ने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में सभी 4 स्वर्ण पदकों के साथ ही 100 मीटर में रजत पदक भी जीता। उषा ने 1982 नई दिल्ली एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में पदक जीते। कुल मिलाकर पीटी उषा ने 1983 से 1998 तक एशियाई चैंपियनशिप में कुल 23 पदक जीते हैं। वही आईओए के 77 संसदीय निर्वाचन मंडल में लगभग 25% पूर्व एथलीट है, जिनमें ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, गगन नारंग, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त सहित वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।